चौपड़पट्टी राजापुरवा है जिसमें हम रहते थे, वहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। कीड़े मकोड़ों के तरीके जनता हमारी रहती थी, ना पीने का पानी था और ना कपड़ा धोने नहाने का साधन था कोई। लोगों से जा जा के घर घर में मिले, लोगों के घर में घुस घुस के शाम सवेरे लोगों को बातचीत करके डील किया। 24 घंटा मेरा काम डीलिंग करना, लोगों को जाके अपनी बात को एक दूसरे के दिल में डालना, एक दूसरे के उतारना कि हमारी बात इनकी समझ में आएगा तो आगे बढ़ेगा काम। बातचीत के जरिए करीब साल दो साल इस तरीके से बीता। उसके बाद जब जनता की समझ में हमारी बात आ गई तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं रहा, बस्ती का शौचालय बनवाया। भीख मांग मांग के 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया इस तरीके से एक साल इकट्ठा किया। दूसरे साल 55 सीट का शौचालय और 11,000 लीटर की टंकियाँ दो लगवाई, बस्ती के अंदर घर घर में टोटियाँ पहुँचाई। यही हमारा संदेशा है बहन और बेटी और बहुओं से कि बाहर निकल के फिर पीछे मुड़ के मत देखना। कोई कड़वे भाषा बोलता है तो उसे बोलने देना। जो अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते हैं।